तो मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी और रात के खाने की तैयारी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो मैं मतलब अभी जो है ना मम्मा पूजा कर ली है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। तो यहाँ पे देखो मम्मा की पूजा हो गई है। तो आज भी बहुत सारे फूल मतलब टूटे दुपट्टे पे, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है आज भी पूजा का स्थान। तो चलो मम्मा की पूजा हो गई तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो यहाँ पे अभी कुछ बनानी है, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो पहले सोचे हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ते या खाने जो भी है उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ चाय, तो मैं मना के आ गई है, तो यहाँ पे चाय और बिस्किट खा लेगी, उसके बाद फिर नाश्ते की होगी तैयारी। तो यहाँ पे देखो मेरी चाय ऑलरेडी बन ही गई है, तो मेरी चाय मोबाइल आ गया है। तो यहाँ पे देखो मेरी चाय अब रेडी होने ही वाली है, तो फिर चाय बनने के बाद हम लोग चाय सब पी लेते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर अभी टाइम हो रहा है 11। तो यहाँ पे देखो राजदीप नहा लिया है और राजदीप अभी भैया के साथ खेल रहा है, इसके भैया ऐसे ऐसे बातें बातें करके खेल रहे हैं। तो ये ना जो मतलब कि थोड़ा सा आज चिड़चिड़ा टाइप का कर रहा था, तो इसीलिए ये ठीक से खेल नहीं रहा है, फिर भी इसके भैया इसको खिला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अभी फिर राजदीप जो है ना अपना कपड़ा जो है ना कपड़ा में शू कर दिया, तो फिर मैंने उसके कपड़े चेंज की। और यहाँ पे देखो राजदीप क्या कर रहा है, तो यहाँ पे राजदीप की मौसी इसको नेल पेंट लगा रही है। तो यहाँ पे देखो राजदीप फिर भी ना जो है ना राजदीप बहुत छिटर पिटर करते जा रहा है, तो हाथ पकड़ के देखो इसको कैसे कैसे लगाना पड़ रहा है। तो नेल पेंट लगाने के बाद राजदीप मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, इसके हाथ पैर एकदम लड़की जैसा। तो यहाँ पे राजदीप को नेल पेंट लगाया जा रहा है, तो राजदीप का नेल पेंट लग गया है, पहले उसके पैरों में नेल पेंट लगा और अब उसके हाथों में नेल पेंट लग रहा है। तो बहुत प्यारा लग रहा है राजदीप का पैर नेल पेंट के बाद। तो उसके बाद जो है ना अभी जो है ना शाम का मतलब शाम का नहीं बोले 7:30 रात के टाइम है, 7:45। तो यहाँ पे मम्मा यमी तड़का बनाने जा रही है, तो उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैं रोटी बना रही हूँ, तड़का बन गया है और बनेगी खीर। तो पहले मैं सोची रोटी बना लेती हूँ, दूध अभी आया नहीं है, तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो तैयारी क्या, खाना तो बन गया है, तड़का बन गया है, रोटी बन रही है, और जब दूध आएगा तो खीर भी बन जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रोटी बनाते बनाते आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी कर लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रोटी बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया, बस रोटी बना के हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद तो अभी इतनी जल्दी सोना नहीं है, क्योंकि अभी 8:15 ही बज रहे हैं। तो बस रोटी बना के हम लोग नीचे चले जाएँगे टीवी देखने। तो राजदीप जो है ना अभी अपनी मौसी के साथ है और वो नीचे ही है, वो मतलब ऐसे घूम रहा होगा या फिर टीवी के पास होगा। तो मैं भी बना के नीचे ही चली जाऊंगी, तो क्योंकि वो अभी इधर से ना मतलब 2-4 दिनों से वो बहुत लेट सोता है, 11:30 मतलब 11 के बजे के बाद ही सोता है, तो इसलिए अभी तो वो सोने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं भी चली जाऊंगी और वहीं पे 1 घंटा थोड़ा सा टीवी देखूंगी इधर उधर, तो टाइम भी पास हो जाएगा। तो राजदीप अभी सोएगा नहीं, तो उसको भी थोड़ा सा घुमाना है, टहलाना है, बातें बातें करनी है, नहीं तो फिर वो रोने लगता है। वो ना मतलब कि जब तक सोए ना तो उसको टहलाते रहो तो अच्छा है, तो बस उसको जाके थोड़ा सा टहला देना है, ऐसे तो उसके भैया लोग टहला ही रहे होंगे, तो वो मुझे भी मतलब ढूँढता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो उसके बाद मैं भी जाऊँगी तो उसको थोड़ा सा टहला दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, एंड जो पहली बार आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम और भी अच्छी अच्छी ब्लॉग आप लोगों के लिए लाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।